नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। आज का हमारा ये वीडियो लेखपाल सीरीज का वीडियो है और हम ग्राम समाज एवं विकास वाला जो हमारा सिलेबस है उसे ही कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व। इसके पहले भी आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे लेखपाल के। लेखपाल की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, वो प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन से और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और जितने भी लेखपाल के लिए वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप हिंदी की हमारी जो भी वीडियोस है आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे हम ये पूरा जो अपना सिलेबस है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है। आपका जो टॉपिक है वो क्या है, ग्राम विकास में भूमि सुधार का महत्व, तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो भूमि सुधार से रिलेटेड होंगे। हाँ, तो भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है आपको बताना है। संघ सूची, समवर्ती सूची या राज्य सूची, तीन टाइप की सूची होती है, संघ, समवर्ती, राज्य। संघ सूची वो सूची होती है जिसमें केवल केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। राज्य सूची वाले जो भी मैटर्स है उस पे राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, और समवर्ती सूची में दोनों ही, ठीक है। तो देखें भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है, तो भूमि सुधार के विषय जो है वो राज्य सूची से संबंधित है, यानी जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा, राज्य की विधानसभा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर टू, वर्तमान समय में कितना प्रतिशत कृषि भूभाग चकबंदी व्यवस्था के अधीन है। तो वर्तमान समय की बात करें तो 49% यानी 49% जो भूभाग है वो चकबंदी व्यवस्था के अधीन है, ठीक है। चकबंदी क्या व्यवस्था होती है, तो देखो ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो आपके जोतों के आकार है उसको विस्तृत करके खेती की जाती है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं भारत में जिन्होंने चकबंदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, ठीक है। और चकबंदी व्यवस्था जो है इससे आपकी उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन फिर भी कई जगहों पे चकबंदी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, वो क्यों है वो हम आगे देखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी, किस प्रांत में लागू नहीं की गई थी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसको स्थायी बंदोबस्त या आप जमींदारी व्यवस्था भी कहेंगे, और ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी। उस समय बिहार और उड़ीसा प्रांत जो है वो बंगाल के अंदर ही आते थे, तो अवध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवध में लागू नहीं की गई थी। इस व्यवस्था में 19% भूभाग पर आप कह सकते हैं कि ये 19% भूभाग पर लागू की गई थी, और किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। इसमें जो जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसमें इसको, तो जो जमींदार होता था, जमींदार टैक्स इकट्ठा करता था और वो ले जाके देता था, और इसको सूर्यास्त का सूर्यास्त व्यवस्था भी कहते हैं, यानी जिस दिन एक दिन निर्धारित होता है उस दिन सूर्यास्त से पहले जमींदार को ले जाके जो भी उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो जमा करना होता था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, जमींदारी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी। अभी हमने देखा 19% भूभाग पर लागू करी गई थी जमींदारी व्यवस्था, या स्थायी बंदोबस्त दोनों कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा अंग्रेज अधिकारी महालवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रस्ताव लाया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था की अगर बात करें तो इसको लागू करने का प्रस्ताव कौन ले आया था, हॉल्ट मैकेंजी, और कब लाया था ये, 1819 में इसका प्रस्ताव आया था, और इसके बाद इसको एक्ट में कब बदला गया, तो 1822 के रेगुलेशन एक्ट जो था उसमें इसको कानूनी रूप प्रदान कर दिया गया, ठीक है। चलो अगला चलते हैं, तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए लागू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसको 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था तमिलनाडु के 12 महल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेवन, सीमांत जोत श्रेणी में
कितना भूमि क्षेत्र शामिल पाया जाता है? देखो, जो भी आपकी क्रियाशील भूमि होती है उनको पांच भागों में आप बांटते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो आपका होता है सीमांत जोत, दूसरा होता है लघु जोत, तीसरा है आपका अर्ध मध्यम जोत, फिर आता है मध्यम जोत और वृहद जोत। तो ये पांच भागों में आपने इसको बांट दिया। तो ये जो सीमांत जोत है, इसमें एक हेक्टेयर से अगर कम भूमि है तो उसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो सीमांत श्रेणी में रखेंगे। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 8, भूमि सुधार से क्या आशय होता है? भूमि संबंधों का नियोजन करना, हाँ होता है। जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण करना, क्या ये होता है? हाँ होता है। जोतों का पुनर्गठन करना, ये भी होता है। यानी ये तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? इनमें से कौन सा उद्देश्य होगा भूमि सुधार का? आर्थिक असमानता को दूर करना, बिल्कुल होगा। काश्तकार सुरक्षा, बिल्कुल होगा। भूमि स्वामित्व प्रदान करना, ये भी होगा। यानी इसमें भी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, काश्तकारी व्यवस्था में पट्टेदार किसानों के प्रमुख वर्ग निम्न में से कौन नहीं थे? देखो, काश्तकारी व्यवस्था में तीन वर्ग में पट्टेदार किसानों को बांटा गया था। कौन कौन सा? स्थायी काश्तकार, इच्छाहीन काश्तकार और उप काश्तकार। ठीक है, ये तीन तरीके तीन वर्ग थे। और इनमें जो इच्छाहीन और उप काश्तकार थे, इनकी जो दशा थी वो बड़ी ही दयनीय थी। तो कौन सा शामिल नहीं था? तो सामान्य काश्तकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, स्वतंत्रता पूर्व लगान का नियमन किस आधार पर किया जाता था? तो स्वतंत्रता से पहले लगान का नियमन प्रथा, मांग और संभरण तीनों के आधार पर किया जाता था। यानी ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1972 की नीति के तहत एक फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध में कितनी भूमि निर्धारित की गई? तो अगर आप फसल वाली सिंचित भूमि के संबंध की बात करें तो 27 एकड़ भूमि, ठीक है। और अगर आप शुष्क क्षेत्रों में बात करें तो 54 एकड़ भूमि। तो शुष्क क्षेत्रों की अगर बात करें तो 54 एकड़ और फसल वाली सिंचित भूमि 27 एकड़, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो भूदान आंदोलन आपका 1951 1951 में प्रारंभ हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आचार्य विनोबा भावे, नाम आपको याद रखना है। और इसी के कुछ समय पश्चात यानी 1957 में 1957 में क्या हुआ कि ग्राम दान आंदोलन स्टार्ट हुआ। कहाँ? तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपका 1957 में ग्राम दान आंदोलन होता है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी भू स्वामी है और जो पट्टेधारी है वो अपने भूमि अधिकारों का त्याग कर दे, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी भूमि है उनका समतापूर्व वितरण किया जा सके, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1957 में ग्राम दान आंदोलन देश के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? अभी हमने देखा कि इसमें तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किन कारणों से भूमि दान की सफलता सीमित रही? क्या आंदोलन में नेतृत्व की कमी थी? नहीं थी। आंदोलन का समय पर ना होना, समय पर ना होने जैसी कोई बात नहीं थी। जुताई योग्य भूमि का वितरण ना होना, यानी जो जिन्होंने भूमि दान किया वो या तो कुछ लड़ाई वाली भूमि थी या तो वो जुताई योग्य भूमि नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, भूमि अभिलेखों का नवीकरण किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भूमि अभिलेखों का नवीकरण योजना किन कारणों से पूर्ण प्रगति नहीं पा सकी? ठीक है, तो क्या आधारित संरचना की कमी थी? हाँ, कमी थी। प्रशासन में पारदर्शिता का भी अभाव था और प्रशासनिक दक्षता का भी अभाव था। यानी ये तीनों बातें सही हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भूमि सुधार उपायों अथवा भूमि सुधार नीतियां किन कारणों से प्रभावकारी साबित नहीं हुई? क्या मौखिक काश्तकारी का अधिक होना इसका एक कारण था? तो बिल्कुल हाँ, इसका एक कारण था।
राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव था और प्रशासनिक तंत्र की तो उदासीनता थी ही। यानी ये तीनों भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहते हैं आप कि उसको मैं उसकी थियरी भी करा दूं, मतलब क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी आपके फैक्ट्स जो थियोरेटिकल पार्ट है वो भी एक्सप्लेन कर दूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं थियरी की भी वीडियो बना दूंगी क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। भू जूतों की चकबंदी से क्या आशय होता है? भूमि का टुकड़ों में विभाजन करना, भूमि को कृषि योग्य बनाना, गांव के बिखरे खेतों को एक जगह मिलाना और भूमि का वर्गीकरण करना। तो देखो, चकबंदी से आशय होता है कि गांव के जो भी बिखरे खेत हैं उनको एक जगह मिलाना। उनको एक जगह मिलाने से क्या हो जाएगा? उनको एक जगह मिलाने से जो भी आपकी अपखंडन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सर्वप्रथम बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपको बता दिया कि कहाँ पारित किया गया, बड़ौदा में, और किस वर्ष पारित किया गया, तो 1920 में पारित किया गया। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो कितना प्रतिशत था ये? आपका कुल 57% था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से कारक चकबंदी कार्य में प्रमुख बाधक साबित हुए? मतलब चकबंदी कार्य में बाधा कौन कौन से कारणों की वजह से था? राज्यों में चकबंदी कानून का ना होना, हाँ कानून का होना मतलब राज्यों की अपने खुद के चकबंदी कानून थे, राज्यों का केवल ऐच्छिक चकबंदी पर ध्यान देना, राज्य ऐच्छिक चकबंदी पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, और कृषकों में पैतृक भूमि के प्रति मोह होना कि कृषक जो है वो अपनी पैतृक भूमि को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो ये तीनों ही जो कारण है वो चकबंदी कार्य में बाधक साबित हुए थे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा कथन चकबंदी कार्य के संबंध में सही नहीं है? क्या चकबंदी अधिकारी के पास तकनीकी ज्ञान का अभाव था? क्या अधिकारी वर्ग का पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा था? क्या चकबंदी अधिकारी का चकबंदी के प्रति प्रयत्नशील रहना ये सही नहीं है? या चकबंदी से भूस्वामी एवं कृषकों का संतुष्ट होना? तो देखो, ये तीनों बातें सही हैं, ये सही नहीं है। चकबंदी से ना भूस्वामी और ना ही कृषक दोनों संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये जो इनके पास जो अपनी पैतृक भूमि थी उनका बहुत ज्यादा मोह था, ये देना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। अगला क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नाम से नवीन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2008 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 25। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण कराना, हाँ है, भूमि संपत्ति विवाद को कम करना, ये भी है, और भूमि अभिलेख को पारदर्शी बनाना, ये भी है। यानी ये तीनों इसके उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से कौन से राज्य ने भूमि अभिलेखों का 100% यानी कि 100% कंप्यूटरीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर कर्नाटक? तो कर्नाटक ने कर लिया है और उड़ीसा ने भी कर लिया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये कर्नाटक और उड़ीसा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का कौन सा राज्य डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड को कैडस्ट्रल मैप से जोड़ने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है? किसने किया है? त्रिपुरा ने, महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने या तेलंगाना ने? तो त्रिपुरा ने पूरा कर लिया है, त्रिपुरा के साथ साथ गोवा और उड़ीसा इन दो राज्यों ने भी पूरा कर लिया है, तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। जुलाई 2020 में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी की गई, जिसमें किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची नहीं थी? तो देखो, किन राज्यों की अपनाई गई प्रथाओं की सूची थी, मैं उनके नाम बता दे रही हूँ। इसमें कुल 9 राज्य थे आपके। वो 9 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो आपका कर्नाटका, ठीक है, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा,
हिमाचल प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो ये कुल 9 राज्य थे। तो इसमें देखो, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश थे, तमिलनाडु नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। देश के लगभग कितने प्रतिशत गांवों ने मानचित्रों के वास्तविक समय का अध्ययन करना शुरू कर दिया है? तो 21%, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई? तो स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई थी? अप्रैल 2020 में। और इसमें जो भी भू स्वामी है उनको क्या वितरित किया जाएगा? प्रॉपर्टी कार्ड। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 31। स्वामित्व योजना के तहत 11 अक्टूबर 2020 को कितने भूमि मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड बांटा गया? तो 11 अक्टूबर 2020 की बात करें तो 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया गया था। ठीक है, तो ये थे आज के कुल क्वेश्चंस। आपका भूमि सुधार का ग्राम विकास में क्या महत्व है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक था उसके कुछ एमसीक्यूज थे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में या पिछले जो भी क्वेश्चन है उनमें कोई डाउट हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेखपाल के प्लेलिस्ट के लिंक और हिंदी के प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप दोनों के जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।